बलरामपुर के सदर विधायक पलटू राम बने राज्य मंत्री, चिले में जश्न का माहौल। कहा गया है कि कर्म किसी का जागीर नहीं होता और कर्म के बल पर ही मनुष्य बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है। ठीक ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले में गिने जाने वाले बलरामपुर सदर विधानसभा से विधायक पलटू राम की। एक हार्डवेयर की दुकान से राजभवन तक के पहुंचने का सफर सदर विधायक पलटू राम का ऐसा रहा जिसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। यदि मानी जाए तो सदर विधायक पलटू राम को राजनीति विरासत में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। छात्र जीवन से ही वे राजनीति में सक्रिय रहे और राजनीति के अलावा सामाजिक कार्यों के प्रति भी उनका रुझान रहा है। योगी के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सदर विधायक पलटू राम को राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद बलरामपुर में जश्न का माहौल छा गया। वहीं विधानसभा बलरामपुर की तो बात ही दूर, संपूर्ण जिले भर के लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सदर विधायक पलटू राम ने क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई है वह किसी के बस की बात नहीं है। बलरामपुर के कोने कोने में जाकर सदर विधायक ने जनता के दिल को जीतने का काम किया है और उसी का परिणाम उनको मिला है कि आज उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। जानकारों की माने तो सदर विधायक पलटू राम के राजनीतिक जीवन की कहानी बेहद ही गजब है। विधायक बनने के पहले पलटू राम हार्डवेयर का दुकान चलाते थे। गोंडा में डाकखाने के पास इनकी दुकान थी जिस पर काम किया करते थे। लोकसभा में 5 बार सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इन्हीं के सहारे पलटू राम ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और राजनीति में पदार्पण भी किया। हालांकि यह सफर भी आसान नहीं था, फिर भी पलटू राम ने कभी सांसद के प्रतिनिधि के रूप में और कभी सियासत के मजे हुए खिलाड़ी के तौर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे। प्रतिस्पर्धा की यदि बात की जाए तो सदर विधायक पलटू राम सन 2007 से विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मनकापुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे, जहां पर इन्हें 4,622 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने सन 2015 में गिर्दगोंडा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यदि बात की जाए सदर विधायक पलटू राम के धर्मपत्नी ज्ञानमती की तो वह भी राजनीति में सक्रिय रही हैं। उन्होंने गोंडा के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहकर अपना समर्पण किया है। पलटू राम ने 2017 के विधानसभा चुनाव शपथ पत्र में अपनी वार्षिक आय 54,07,378 बताई है। 3 वाहन जिसमें 2 कार एक ट्रैक्टर शामिल है। हलफनामे में विधायक ने बताया है कि उनके पास 50 ग्राम और उनकी पत्नी ज्ञानमती के पास 100 ग्राम सोना है। 6 स्थानों पर जमीनें होने का जिक्र किया है जिसकी कीमत 1 करोड़ बताई गई है। सदर विधायक के पास एक राइफल का रिवाल्वर और 12 बोर की बंदूक है। इसके साथ साथ गोंडा शहर में इनका एक निजी आवास है जहाँ पर रात्र विश्राम करते हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए बलरामपुर उत्तर प्रदेश से दामोदर शुक्ला की रिपोर्ट। में भी भारी बारिश के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगले कुछ दिनों में राहत मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चले सरकार का ये पहले से निर्देश है और उसके लिए पर्याप्त खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।